अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें जी, आज हम आ गए हैं दोबारा से धूप में। और ये देखें सारा क्या करने लगी है। ये देखें जी, ये सारा के काम। सारा ने बलून रात को जिद करके लिया। और ये जी, अब बलून के साथ जो शुरू होती है ना, बहुत ज़्यादा फुलाती है सारा बलून को और बहुत ज़्यादा खेलती है। खेलने वाली बच्ची है, बहुत तक खेलती है। बलून इसको बहुत अच्छे लगते हैं। इस जेली का टेस्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत मज़े की होती है जेली। और यहाँ पे जी बिल्ली जो है वो भी आराम कर रही है। ये देखिए, ये बिल्ली बैठी हुई यहाँ पे, बिल्ली आराम कर रही है। बिल्लियों को भी ना स्कूल में होना चाहिए था कि स्कूल में पढ़ती हैं, लिखती हैं, कोई डॉक्टर बनती, कोई इंजीनियर बनती, कोई टीचर बनती। हाँ, कोई लेक्चरर बनती, इनकी भी कोई ज़िंदगी होती, इनका कोई दुनिया में मकसद होता आने का। ये बस किसी की छत पे बच्चे दे देती हैं, कभी कहीं पे रह रही होती हैं, कभी कहीं पे रह रही होती हैं। बिल्लियों को लोग बच्चे को डरा के भगा देते हैं। ये देखिए, ये व्यूअर्स के जरूर जैम है, ये आप व्यूअर्स देख सकते हैं। ऑरेंज जैम, मैशमेलो कैंडी है, उसके अंदर जैम की फिलिंग है। टेस्टी। तो ये व्यूअर्स, मुझे जेलिस फील हो रही है। ये जो कैट है ना, ये हर चीज खाती है, सारा के साथ शेयर करती है। सारा भी हर चीज शेयर करती है बिल्ली के साथ। बिल्ली जो है ना, वो केक से लेकर टॉफी से लेकर चिप्स और सारा की बंटियाँ, सारा की हर चीज जो है ना वो ट्राई करती है। ये देखिए, अब सारा ने पकड़ लिया इसको। ये देखिए, अब सारा के काम। बिल्ली सारा के साथ खुश है और सारा बिल्ली के साथ खुश है। सारा अपना स्कूल का काम भी ले आओ, अब ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं, बैठ के पढ़ लो। पहले इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, उसकी तैयारी करनी है सारा ने। उसका भी वो स्कूल है कल, स्किप ग्रैंड टेस्ट है। जी, अब इसको याद आ गया कि मैंने छत पे जाना है। तो ये जो है ना, धूप बड़ा सेकती है, इसको बड़ा शौक है धूप सेकने का। ये भी ऊपर जा रही है, सारा तो नहीं ना जा सकती ऊपर, क्योंकि देखें ऊपर जो है ना सीढ़ियाँ के साइड पे वो जगह नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, वो मैं एक लंबी कहानी है, वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। तो क्या हुआ था जिसकी वजह से ये जो है ना साइड की लोहे की ग्रिल नहीं है। और भी देखें बहुत सारी चीज़ें मिस हो चुकी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया था हमारे साथ, एक अलमनाक वाकया पेश आया था। और बिल्ली जो है वापस नहीं आई अभी तक। ये देखें, वो दूसरी बिल्ली चढ़ गई उधर, वो बैठी हुई सारा उधर। सारा नीचे आ जाओ, इधर ग्रिल नहीं है, नीचे आ जाओ। हाँ, आ जाओ नीचे। आज नीचे गिर जाएगी, नीचे हाथ रख के चढ़ो, नीचे उतरो। हाँ, सारा कवों को चीले कहती है, जो कवे नजर आ रहे हो ना उसको चील कह देती है। हाँ, मैं आपको सब कुछ नहीं कह सकती। हाँ, आपको खाने वाली चीज ना पकड़ना, पहले हाथ धोना, बिल्ली को पकड़ा था ना। हमें खाऊंगी क्या, साथ जो है वो भी सो रहा है और साइम भी जो है वो सो रहा है, क्योंकि जो है ना
अभी इनका टाइम नहीं हुआ, आज वैसे भी सैटरडे है, सैटरडे के दिन ही होता है ना बच्चे लेट उठते हैं। हाँ जी जी, ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं ना, इसका ये जो हाल है, यहाँ पे हमने रेंट पे दिया हुआ था ये कमरा, 3000 रुपया रेंट हमें मिलता था, तो वो जो है ना सारा कुछ तोड़ तोड़ के चले गए, इस कमरे का ये हाल हुआ। तो मैं आपको चले यही बता देती हूँ कि ये जो हमारी सीढ़ियाँ हैं इनके इनके साइड पे जो ग्रिल थी वो कहाँ गई। असल में हुआ ये था कि मेरे अब्बू के घर के ऊपर, जब मेरे अब्बू फोत हुए ना, तो कुछ लोगों ने, अब मैं आपको बताऊंगी नहीं डिटेल से, बाद में बताऊंगी कौन लोग थे वो, कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया मेरे अब्बू के घर के ऊपर, और इस घर के सारे कागजात वगैरह जो थे ना मुझे उन्होंने कैद करके, तो कैद करके उन्होंने साइन करवा ली, इस घर का जो था ना वो मेरे नाम प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने कैद मुझे किया, कैद करके उन्होंने हमें ये नाम करवा लिया, नाम करवा के तो सारी जो ग्रिलें थी ना घर की, ये सारी ग्रिलें आप देख रहे हैं, ये जो साइडों पे लगी होती हैं सीढ़ियों के, वो सारी उतार ली, कुछ जो रह गए हैं ना वो इस वजह से रह गए हैं क्योंकि मोहल्लेदारों ने ना, हमारे जो मोहल्लेदार हैं उनका अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे हमारे मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने उन लोगों को मारा, मार पीट के ना उनको बाहर निकाला, उन लोगों को बाहर निकाला, और जो है ना मैं यहाँ पे फिर आकर बैठी हूँ अपने अब्बू के घर, तो ये मेरे अपने नाम है, तो इस तरह से हुआ था। तो उस वक्त हमारे मोहल्लेदार जो थे ना हमारे बड़े काम आए हैं, तो मुझे यहाँ पे रहते हुए 6 साल हो गए हैं, तो 6 साल से मैं अब यहाँ पे रह रही हूँ, इससे पहले मैं अपने ससुराल में रह रही थी, ससुराल वालों ने ना मुझे कैद किया था, उन्होंने कैद करके, तो ये मेरा जो घर है ना वो मुझे लेके गए थे कचहरी में, वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर जो था ना वो अपने नाम करवाया, उन्होंने कुछ लोगों के नाम करवाया कि जी हमने ना कुछ लोगों के पैसे देने हैं। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं, लेकिन देखें हम फिर भी व्लॉग बनाते हैं आपको बताने के लिए कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए सारा कितनी खुश रहती है, हर वक्त खुश रहती है। सारा बस इसी तरह खुश रहती है हमेशा। और व्यूज आपको पता नहीं है, व्यूज व्यूज मेरा डांस व्यूज बहुत पहले व्यूज मेरे टूट गए। तो ये जी हमारी एक सैड स्टोरी का एक रुख मैंने बताया आपको, जो मेरी सैड स्टोरी का एक रुख है वो मैंने आपको सुनाया है। तो इस तरह से होता है, और पिछली व्लॉग भी मुझे आप देख सकते हैं, मेरा पिछला व्लॉग भी, तो बस छोटी छोटी चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं अपनी, तो हमेशा जो है ना खुश रहें, मुस्कुराते रहें हमेशा, जैसे भी परेशानी आए, परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती, चले जाती हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, चला जाता है, तो जो है ना खुश रहना सीखें, जहाँ भी रहें खुश रहें, और यही जो है ना ज़िंदगी का जो है ना सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ है वो यही है, दौलत रुपया पैसा आने जाने की चीज़ है, तो ये जो है ना खुशियाँ, खुश रहना जो है सबसे बड़ी चीज़ है, खुश रहेंगे तो ज़िंदगी है। तो अब मैं आपसे कहूँगी कि अब आप दें जी हमें इजाज़त जी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सारा उधर चली गई है जी, तो अब आप हमें दें जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।